Hello, welcome student. Today we will understand next chapter from history book in 9th class. Name of this chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा कि यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे आया और रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि सोशलिज्म होता क्या है। सोशलिज्म इट मींस सोर्स ऑफ प्रोडक्ट और इनकम ऑफ सोर्स आर कैप्चर्ड बाय द सोसाइटी आर कॉल्ड सोशलिज्म। इट मीन्स सोशलिज्म को समझने के लिए हमें यह समझ आना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में इनकम का सोर्स, लाइक एट प्रेजेंट हमारे पास इनकम का सोर्स है वो फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी जो ओनरशिप है ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री या ये कहेंगे ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट किसके पास है, इंडिविजुअली पर्सन के पास है, यानी कि एक आदमी के पास। इसको सोशलिज्म नहीं बोलेंगे, इसको कैपिटलिज्म बोलेंगे। ध्यान से समझिए बेटा, आपके समझ में आएगा। एक कैपिटलिज्म होता है, एक सोशलिज्म होता है। अब जो यहां फैक्ट्री के अंदर जो माल की प्रोडक्टिविटी हो रही है उस प्रोडक्टिविटी की ओनरशिप एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के पास है, तो यहां से जो इनकम आएगी वो इनकम एक आदमी के पास जाएगी और उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, यानी कि सारा का सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक आदमी की पॉकेट में चला जाता है, पब्लिक के पास वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, उसको कैपिटलिज्म बोला। इसके ठीक अपोज में अगर यही फैक्ट्री इसका प्रोडक्शन अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप में है तो यहां से जो इनकम आएगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, और गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सभी लोगों के पास, इक्वल बट जाते हैं। इसलिए इनकम का कलेक्शन नहीं होता है, कुछ एक लोगों के हाथों में सिमटती नहीं है, तो उसको हम सोशलिज्म बोले। यूरोप में सोशलिज्म क्यों आया, क्योंकि हमने पहले भी स्टडी की थी कि सबसे पहले जो फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो इंडस्ट्रीज आए थे वो यूरोपियन कंट्री में लगे थे, यानी कि ब्रिटेन में लगे थे। लोगों ने कैसे स्ट्रगल करके, कुछ एक लोगों के हाथों में सिमटने वाले प्रॉपर्टी इनकम को गवर्नमेंट की अथॉरिटी में देने के लिए प्रयास किया, तो सोशलिज्म भी वहीं से स्टार्ट हो गया। क्योंकि हमने बताया कि इनकम का सोर्स आज हमारे पास फैक्ट्रीज है, हम माल की प्रोडक्टिविटी करते हैं, हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई करते हैं और फॉरेन करेंसी गेन करते हैं। जब हमारे देश में कोई भी
सामान तैयार होता है, प्रोडक्ट होता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में जब पहुंच जाता है तो उसकी सेल करने के बाद वहां से हमें प्रॉफिट होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो फैक्ट्रीज से होने वाला प्रॉफिट है, क्योंकि इसको हम कितना भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कितना ही लंबा चौड़ा इसके अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो जो ट्रेड है, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन है, उनके ऊपर कुछ एक लोगों का कंट्रोल ना होकर के गवर्नमेंट का कंट्रोल में जब वो सिस्टम होता है तो उसको सोशलिज्म बोला जाता है। इट्स ओके। अब सोशलिज्म कैसे आया वो सुनिए, लोगों ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया। लास्ट जो चैप्टर था उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने स्टडी की। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा था वो क्यों हुआ था, इसका कनेक्शन इस चैप्टर से है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कारण था सोसाइटी को तीन कैटेगरी में डिवीजन करना, और उसके बाद में उनके पास बाई बर्थ कुछ राइट्स होते हैं जिसको प्रिविलेज बोला जाता है, वो इसका मेन रीजन था। हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेट, उसके बाद में सेकंड स्टेट, और उसके बाद में थर्ड स्टेट। ओके, फर्स्ट स्टेट्स में क्लर्गी होता था, सेकेंड स्टेट्स में नोबिलिटी होता था, और थर्ड स्टेट्स में जो कॉमन पीपल होते थे जिसके अंदर ट्रेडर, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, डॉक्टर, लॉयर्स, वर्कर्स, लैंडलेस लेबर्स, ये सारे के सारे इस थर्ड स्टेट्स में रहते थे। हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किए थे कि इन दोनों को क्लर्गी और नॉबिलिटी, क्लर्गी जो चर्च में काम करते थे, नॉबिलिटी जो राजा के ज्यादा नजदीक होते थे, राजा के फ्रेंड सर्कल में होते थे, उनको कुछ अधिकार थे, इन दोनों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। उस टाइम सोसाइटी को चलाने के लिए टैक्स एक सोर्स होता था, राजा के पास इनकम का सोर्स यही होता था, तो सारा का सारा टैक्स इन्हीं लोगों को पे करना होता था, इसलिए वहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी का एक नया रिसेप आ गया। तो रिसेप कैसे आया वो यही थर्ड स्टेट्स के लोग प्रयासरत थे, सोसाइटी को तीन कैटेगरी में डिवीजन हुआ। आज तक तो सोसाइटी कैटेगरी में डिवीजन थी वो राजा के द्वारा की हुई थी, जिनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, अब वो सोसाइटी नए पैटर्न से तीन कैटेगरी में डिवीजन हो गया, थ्री टाइप्स ऑफ ए यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी के तीन टाइप्स सुनिए, कंजर्वेटिव, लिबरल, और थर्ड रेडिकल। ध्यान से समझिए बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में तो आएगा ही, बट कंपिटिशन एग्जाम में भी इसके बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। तो कंजर्वेटिव क्या है, इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, दोज पर्संस, दोज कैंडिडेट्स डिड नॉट वांट टू चेंज देयर सोसाइटी आर कॉल्ड ए
कंजर्वेटिव, जो सोसाइटी में चेंज नहीं करवाना चाह रहा था, जो सेम उसी ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करना चाह रहे थे, वो राजा का मोनार्की सिस्टम को ही लाइक कर रहे थे, वो कंजर्वेटिव लोग थे, यानी कि पुराने ढर्रे को चौंका तो सपोर्ट करना। सेकंड आता बेटा लिबरल। लिबरल वो लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इन्हीं के प्रयासों से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ये लोग थे, ये दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल पर्सन के जो राइट्स हैं उसको सपोर्ट कर दो। और मोनार्की सिस्टम के अबोलिशन में काम करते थे, उसके खात्मा के लिए प्रयास करते थे, बट दे वर नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक नहीं थे क्योंकि जो राइट टू वोट था वो यूनिवर्सल फ्रेंच राइट अडल्ट्स के लिए वो सपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि वोट डालने का अधिकार सभी को नहीं मिलना चाहिए, केवल प्रॉपर्टी जिसके पास होती थी उन्हीं लोगों को वोट डालने का राइट्स देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वोमेन्स के राइट्स के लिए ये अपोज करते थे कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए, जो रिच पर्सन है प्रॉपर्टी जिसके पास है उसी को ही वोट डालने का अधिकार दिया जाए। इसलिए ये लोग डेमोक्रेटिक के नहीं थे। कौन? लिबरल। सोसाइटी में चेंज चाह रहे थे, राइट्स चाह रहे थे, बट इनका राइट्स डिफरेंट टाइप्स का था, क्योंकि जो लिबरल लोग थे वो खुद अपनी प्रॉपर्टी कंट्रोल में किए हुए थे, वो कुछ लोग इंडस्ट्री चला रहे थे, कुछ दूसरे दूसरे व्यापार में लगे हुए थे, इसलिए इनके पास खुद अपनी प्रॉपर्टी थी, इसलिए प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे कि लोगों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, साथ में उसके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चांस होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, अपने ढंग से उसको कोई भी काम करना और बिना किसी प्रेशर के नए ढंग से नए इनोवेटेड आइडियाज या फिर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए उसके सारे रास्ते खुले होने चाहिए। इस प्रकार की थिंकिंग लेकर के लिबरल लोग काम कर रहे थे। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटे रेडिकल। जो रेडिकल लोग थे वो सफरगेट में विश्वास करते थे। सफरगेट इट मीन्स राइट टू वोट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, सभी को वोट डालने का अधिकार होता है, उसको सफरगेट बोलते हैं। रेडिकल वांटेड टू चेंज देयर सोसाइटी ऑन द एवरीवे, प्रत्येक रास्ते पे प्रत्येक पॉइंट से उनकी सोसाइटी चेंज होनी चाहिए, ये रेडिकल लोगों का आइडियाज था, इसलिए ये सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स की हो गई थी। जो सोसाइटी फ्रांस की पड़ी थी उससे अलग इस सोसाइटी में तीन कैटेगरी हो गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, या ये कहें कि यूरोपियन कंट्रीज में सभी में इसमें नया चेंजमेंट आ गया। इसमें कंजर्वेटिव थे, लिबरल थे और रेडिकल लोग थे। ये
पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते थे, ये कुछ हद तक चेंजमेंट चाह रहे थे, बट वोट का राइट्स था वो सभी के लिए नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इनकी थिंकिंग थी। रेडिकल थे वो सोसाइटी में, बेस से ही नीचे से ही सारा परिवर्तन चाह रहे थे, सारा चेंजमेंट चाह रहे थे। इस प्रकार से सोसाइटी तीन कैटेगरी में बटे हुई थी, कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। उसके बाद में इंडस्ट्री जा जाती है बेटा। इंडस्ट्री जाने के बाद क्या होता है सुनिए, हम यूरोपियन कंट्री की भी बात करेंगे और रशिया की भी बात करेंगे। तो इंडस्ट्री जा जाती है इंडस्ट्री जाने के बाद डेवलपमेंट होता है, किसमें? अर्बनाइजेशन में, रेलवेज के एक्सपेंडेड में, रेलवे का विस्तार हो जाता है, ज्यादा ज्यादा रेल लाइन बिछा दी जाती है, अर्बनाइजेशन हो जाता है। ये अर्बनाइजेशन, इट मीन्स जो सिटी है उसके अंदर लोग ज्यादा ज्यादा जाके बस जाते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर इंडस्ट्रीज लगती है, इस इंडस्ट्रीज में लोगों को जॉब मिल जाती है। तो यूरोपियन कंट्री के रूरल एरिया से रहने वाले लोग माइग्रेट करके सिटी एरिया में चले जाते हैं जहां इंडस्ट्रीज सेट होती है। तो वहां पे ज्यादा गैदरिंग होने से लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, अनएम्प्लॉय की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। इंडस्ट्रीज में काम के आवर्स लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ है वर्किंग, एंड वेजेस वाज वेरी लो, उनकी दैनिक दिहाड़ी थी, वेजेस थी वो काफी कम हो गए और टाइम पीरियड काफी लंबा हुआ। ये सारी सिचुएशन होने के बाद वहां सैनिटेशन की और पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके बाद लोगों ने जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करने वाले थे, जो लिबरल लोग थे या रेडिकल लोग थे, उन्होंने नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट बोलेंगे, लिबरल और रेडिकल, इन लोगों ने इसको सॉल्यूशन करने के लिए स्ट्रगल शुरू किया। इन्होंने क्या किया, यहां से हम फ्रांस के बारे में स्टडी करेंगे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी स्टडी हमने की थी कि ये 1789 में हुआ था, वहां पे डेमोक्रेसी आ गया था। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आ गए, नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद 1850 में वाटरलू के मैदान में वार होता है, लड़ाई होती है, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट पार्ट है वो डिफीट हो जाता है। और जब डेमोक्रेसी आई थी, यानी कि 1789 में जब लोगों ने स्ट्रगल किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया था,
उस टाइम पे वहां का जो रूलर था वो लुईस 16 था, जो बुर्बोन वंश का, बुर्बोन वंश के लुईस 16 ने दोबारा से रीशेक करवाया फ्रेंच कंट्री के अंदर। वो 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद करवाया, यानी कि दोबारा से यही लोग एस्टेब्लिश हो गए, बुर्बो वंश का राज दोबारा से आ गए। ये बुर्बो वंश का रीसेट करने वाले जो लोग थे वो कंजर्वेटिव लोग थे, जो अभी हमने पढ़ा कंजर्वेटिव रेडिकल वही लोग। ये कंजर्वेटिव लोगों ने बुर्बो वंश का, बुर्बो डेंसिटी का लुईस 16 को दोबारा से राजा बना दिया। इन्हीं लोगों ने अपने सिस्टम में दोबारा से मोनार्की सिस्टम लाने के बाद, कंजर्वेटिव लोगों ने दोबारा से मोनार्की सिस्टम लाने के बाद, नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, क्योंकि दे वांटेड टू रिमूव देयर मोनार्की सिस्टम। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस में यूनिफिकेशन हुआ, जो हम 10th क्लास की बुक में पढ़ेंगे, बट थोड़ी सी स्टडी आपके पास यहां पे दे रखी, इसलिए मैं बता रहा हूं। फ्रांस, इटली एंड जर्मन, इन लोगों ने यूनिफिकेशन, अपने कंट्री का यूनिफिकेशन करने के लिए, अपने देश को एकजुट करने के लिए प्रयास किया। उसके अंदर नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल लोग शामिल थे। इटली का जो रिवोल्यूशनरी था वो ज्यूसेपे मैजिनी था, जिसके बारे में स्टडी हमें 10th क्लास की बुक में पढ़ा। उसके प्रयासों से इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। तो यहां लोगों ने काफी प्रयास किया, तब जाकर के कंजर्वेटिव लोगों को रिप्लेस किया गया और लिबरल और रेडिकल लोगों ने जगह बनाई, यानी कि सोसाइटी में इस प्रकार के लोग हैं आ गए। ये जो चेनमेट था, ये इसका डायरेक्शन सोशलिज्म की साइड में था, कि सोशलिज्म एक मीन्स इनकम के सोर्स पे गवर्नमेंट का अधिकार और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है इनकम। इनका डिस्कशन जो यूरोपियन कंट्री का रिवोल्यूशन हुआ था, उसका डिस्कशन करने वाले हमारे पास राजा राम मोहन राय हैं। जो हमारे देश के सोशल रिफॉर्मर है, जिसने ब्रह्मो समाज का स्थापना की थी, और डेरोजियो, इन दोनों ने इस सोसाइटी के रिप्लेसमेंट का जिक्र अपने डिस्कशन में या अपनी बुक्स में किया। इसके आगे हम स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो। इट्स ओके।